आपका दर्द ठीक है? हाँ अभी तो ठीक है, अभी तो गायब हो गया। हाँ गायब हो गया? क्या लगता है ये फिर से आ जाएगा? कहाँ से आई हैं आप? मैं नवादा से आई हूँ। और आपको दिक्कत क्या है? एक्चुअली मैं एक्टिंग करती हूँ तो मतलब रेगुलरली काम नहीं कर पा रही हूँ। लगभग 1 साल से मुझे पेन है, मेरे काप्स में है, थाई में है और मतलब वेस्ट में है, तो मैं बहुत परेशान थी। पेन किलर वगैरह भी खाई। आप नवादा से यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए, हाँ मैं यहाँ और पे ऑप्शन भी हो सकते थे आपके पास। नहीं, तो मैं इसलिए आई ना क्योंकि हमको पता चला कि रजनीकांत नाम के एक डॉक्टर है, मैं उनका वीडियो वगैरह भी देखी यूट्यूब पे, तो मुझे अच्छा लगा। बिना मेडिसिन वगैरह के वो मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, तब मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं बहुत परेशान थी इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। जैसे कि आप बता रही हैं कि आपको बैक के काफ मसल्स और ये हैम्स मसल्स में पेन होता है, ये पिछले 1 सालों से पेन होते आ रहा है। आपकी एक्टिंग की जो भी शौक के साथ में आप स्टडी भी करती हैं? हाँ यार मैं स्टडी भी करती हूँ। स्टडी भी करती हैं, तो इसके पीरियड में जो आपका ये बैक पेन है काफ़ी परेशान करता है और बहुत आप? ज़्यादा परेशान करता है, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ। वो चेयर हो मतलब ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं सकती ज़्यादा देर और बैठ नहीं ज़्यादा देर सकते, मैं मतलब स्टैंड भी नहीं रह सकती, मतलब एक पोस्चर में आप ज़्यादा देर रह नहीं एक सकती पोस्चर हैं, में नहीं रह सकती। आपको पेन होते हैं और और उसके बाद हिल्स वगैरह की वजह से भी मतलब काप्स वगैरह में दर्द रहता है। काफ़ी दर्द रहता है। आपने इससे पहले भी ट्रीटमेंट वगैरह कहीं आपने कराया? हाँ मैं पेन किलर्स वगैरह खाई और दवाई वगैरह भी ली, लेकिन ज़्यादा दवाई खाना मतलब यूजफुल नहीं है, वो हार्म ही करता है। ओके, तो आपको किसी ने रिकमेंड किया या आपने खुद से सर्च किया, खुद से नहीं देख? किसी ने बताया नहीं, मैं बस यूट्यूब पे देख रही थी तो मुझे वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा कि बिना मेडिसिन के बिना इंजेक्शन वगैरह का ट्रीटमेंट ट्रीट किया जाता है। देन आई कम हेयर। ओके मैम, आप बाकी तो मैं अभी डायग्नोस कर रहा हूँ, मैं क्या है कैसे है मैनुअल डायग्नोस पे मैं बता रहा हूँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। हमें आ जाएंगे सर, इस पे लेटना, आपको पैर इधर करना है, सर उधर करना है, उल्टे लेट जाना है। ओके हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर रजनीश ये हमारी पेशेंट जो काफ़ी टाइम से बैक एक से परेशान है, काफ और हैम्स मसल्स ऑल्सो। सबसे पहले डायग्नोस, लाइक के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, हेडेक भी होते हैं क्या आपको कभी? हाँ हेडेक भी होते हैं। हाफ हेडेक होते इधर हैं साइड का होता है ये राइट साइड का, कभी राइट कभी लेफ्ट। हाँ ये राइट साइड का अक्सर ज़्यादा होता है, ये थोड़ा सा सी बटल आपका अपसेट है। पिल्लोज वगैरह कैसे लेती हैं आप? पिलोज मतलब नॉर्मल लेती हूँ, ना ज्यादा हाई रहता है ना लो रहता है। पेन है क्या आपको यहाँ? हाँ है पेन, काफ़ी है ना? हाँ थोड़ा सा हो रहा है ज्यादा। ओके, ये थोड़ा पोस्चर के कारण हो रहा है मैम आपको, हाँ थोड़ा पोस्चर मेंटेन करना होगा आपको, सिटिंग में स्लीपिंग में थोड़ा पोस्चर मेंटेन करना होगा। थोड़ा आपको डाइजेशन इशू, डाइजेशन कैसा है आपका? हाँ डाइजेशन इशू है है हमको। ना, हाँ ये डाइजेशन प्रॉब्लम है आपको। डाइजेस्ट नहीं हो पाता है जल्दी। डाइजेशन प्रॉब्लम है आपको, ये राइट लेग का ज्यादा इशू है। राइट लेग। हाँ राइट लेग में। ये देखिए, ये जो है ना ये हाँ पार्ट, हाँ वही पे वही पे। ये ज्यादा पेनिंग है ना? हाँ ओके, बॉडी को एकदम रिलैक्स, एकदम लूज छोड़ देगी। इधर भी पेन आते हैं क्या आपको? वही पे। हाँ नी नी के पास। ये ना, हाँ वही पे वही पे। ये ठीक है, राइट 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 पास। हाँ वही पे। अच्छा पेनिंग ना, ये ऑल्सो ओके। हाँ बॉडी को एकदम रिलैक्स, जैसे सोते हैं ना आप वैसे एकदम बॉडी को एकदम लूज छोड़ देंगे, टाइट नहीं करेंगे।
जस्ट रिलैक्स। मैम बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगी, एकदम रिलैक्स, लूज, बस लूज। एक लंबा सांस लेंगे आप, छोड़ेंगे सांस, लूज लूज, नेक डाउन, ओके जस्ट रिलैक्स, गिव इट अप, लूज, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रेथ आउट, लूज, ओके। वन अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रेथ आउट, नेक डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रेथ आउट, ब्रेथ आउट, ओके ना, ओके। Neck down, take a deep breath, breath out, loose, okay. One again, breath out, loose, बस इसको लूज छोड़ देंगे मैडम, बस इसको लूज। इस पार्ट पे पेन आता ना, ये ना, ये जस्ट रिलैक्स मैम, रिलैक्स रिलैक्स छोड़ देंगे। रिलैक्स रिलैक्स बैंड करेंगे, रिलैक्स, थोड़ा लूज लूज छोड़ देंगे, लूज, स्ट्रेट, लूज छोड़ देंगे, लूज। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज, ओके। स्ट्रेट लेट जाएंगे आप, नेक को मेरे हाथ पे छोड़ देंगे, जैसे पिल्लो पे छोड़ती है, छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज, रिलैक्स, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बस लूज लूज, ओके ना, ओके, या जस्ट रिलैक्स। Put up loose. One more. Loose. Loose.
इसे लॉक, इसे लॉक, इसको छोड़ना नहीं है, इसे पकड़े रखना है। एक लंबा सांस लेंगे हम, छोड़ेंगे, थोड़े लूज लूज, ओके ना, थोड़ा बॉटम लेके आएंगे, थोड़ा बाहर, थोड़ा बाहर, हाँ, बॉडी को लूज छोड़ देंगे हम, इसे लॉक, लूज, लेग स्ट्रेट, एकदम बॉडी को लूज, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज, देखेंगे आप बॉडी टेढ़ा है आपका। इधर देखेंगे मैम अपना लेग लेंथ, ये देखेंगे आप इस लेग पे ज़्यादा स्टैंड करती हैं, इस लेग पे ज़्यादा ठहरती हैं आप, जिसके कारण पैल्विक थोड़ा सा, कमर जो आपका है ना, ज़बरदस्ती ऐसे नहीं करना है जो है ना, देखिए ये अनबैलेंस है, आप ज़्यादा इस पैर पे ठहरती हैं, लूज लूज, देखेंगे मैम लूज थोड़ा उठ करके बैठ जाएंगे आप। बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज लूज, थोड़ा और आगे जाएंगे आप एकदम एज पे, बस बैठ जाएंगे आप। दोनों हाथों को यहाँ ऐसे रखेंगे, फिंगर्स लॉक करके, फिंगर्स लॉक ऐसे, एक मिनट लगा देंगे आप, फिंगर्स लॉक करके रखेंगे, ओपन करेंगे हाथ को, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे सांस को, बॉडी लूज, बॉडी लूज, बॉडी लूज, एक और बस बस छोड़ना नहीं है, बस बस बॉडी लूज, एक लंबा सांस, ओके, जस्ट वेट, लूज छोड़ देंगे बॉडी को, लूज 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 लूज, जस्ट 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 रिलैक्स रिलैक्स। देखिए बहुत स्ट्रक्चर ही है सर, ये थोड़ा हार्ड हो रहा है ना, ये पार्ट, ये हार्ड है, ये हाँ, थोड़ा लूज छोड़ देंगे, लूज एकदम बॉडी लूज, ओके ना, ओके, रिलैक्स, लूज छोड़ देंगे, लूज आप लूज छोड़ दीजिए, इसको लूज लटकने दीजिए, लूज 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 लूज, ओके लूज, ओके रिलैक्स, स्ट्रक्चर वही तो सुधारना है, स्ट्रक्चर मतलब ये डिफरेंट है, हाँ थोड़ा डिफरेंट है, ये चीज भी मेरा डिफरेंट है, थोड़ा है यहाँ पे, ये एंगल निकला हुआ है, थोड़ा खड़े होंगे आप, बैक साइड टर्न हो जाएंगे ऐसे, बस ऐसे ही रहेंगे आप खड़ा, ऐसे ही आप खड़ा रहेंगे, बस दोनों हाथों को ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, बस इसको लॉक रखेंगे,
बैक एक आता ना, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, घूमना नहीं आपको, आपको बस ऐसे स्ट्रेट रहना है, थोड़ा ऐसे सामने आ जाएंगे, बस बस ऐसे ही छोड़ो, दोनों हाथ नीचे करेंगे, दोनों हाथ नीचे करेंगे, मेरे दोनों हाथों के ऊपर हाथ रखेंगे आप जैसे मैं रखा हूँ, एल्बो क्लोज, थोड़ा सामने देखेंगे, सामने देखेंगे, एक लंबा सांस लेंगे और यहीं खड़ा रहेंगे, मेरे पे गिर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर लूज, थोड़ा टेबल पे आ जाएंगे, बैठ जाएंगे आप, लूज छोड़ देंगे, लूज लूज लूज, एक और लूज लूज, ये जो थोड़ा आपके जो हेडेक आते थे उसके लिए मैं कर रहा हूँ, ये जो है ना राइट साइड ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम है, राइट साइड थोड़ा ये क्लोज है, थोड़ा ये ओपन, देखेंगे आप ये डाउन है ये अप है, थोड़ा बस इसको बस एक हुआ, बॉडी को तो लूज छोड़ देंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बॉडी रिलैक्स, ओके, मेजर करेंगे अभी, देखेंगे अभी, टच करेंगे आप पीछे, आपको फील होगा इक्वल है ना, थोड़ा एक मिनट वॉक कर लेंगे मैम आप, अभी जो आपने ट्रीटमेंट के पहले जो आकर के आपने कंप्लेन किया कि मुझे बैक एक होता है, वो क्या कहते हैं वो काफ मसल्स में, हैम्स मसल्स में ऐसा, उसके बाद में मैंने उसको ट्रीट किया, तो उसके बाद आफ्टर ट्रीटमेंट कैसा लग रहा आपको? Now I'm feeling better. Better. Yeah. Yeah. Like आज आपका ये फर्स्ट सेटिंग था ना, तो ऐसे कंडीशन में 2-3-4-5 सेटिंग ऐसे रिक्वायर्ड होता है, तो आगे भी अगर ऐसी की ज़रूरत होगी तो आपको आना होगा, जैसे हम लोग बुलाएंगे आपको, स्टेप्स आकर के ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना होगा। ओके अरिका। ओके, बाकी ऑल ओवर आप कैसा फील कर रही हैं? अभी बहुत अच्छा फील कर रही हूं। अच्छा फील कर रही हैं? हाँ। कुछ कहना चाहेंगे इस ट्रीटमेंट के बारे में? हाँ जरूर कहना चाहूंगी जी, मैं वाकई बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मतलब जो भी क्रैक्स हुए, मतलब लग रहा है कि पेन गायब हो गया, और मैं अच्छी तरह से सही होने के लिए मैं यहाँ पे आप आके रेगुलर अपना ट्रीटमेंट लूंगी। ओके मैम। नवादा से आज आप पटना आई, पहले दिन का ट्रीटमेंट लिया, कैसा लग रहा है? क्या लगता है अब एक्टिंग में आपको कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं, अगर जो भी मेरा 2-4 सिटिंग और जैसे सर बोल रहे हैं कि मतलब वो क्लियर हो जाएगा तो आपका पेन गायब हो जाएगा, तो मैं आकर के रेगुलरली अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगी और मैं भी अच्छा, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो आपका दर्द ठीक है? हाँ अभी तो ठीक है, अभी तो गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ। क्या लगता है ये फिर से आ जाएगा? नहीं, आना तो नहीं चाहिए, जब पूरा जो भी बचा हुआ है और जितने दिन का, अगर मैं पूरा ट्रीटमेंट लूंगी तो नहीं आएगा।